मैट्रिक्स के मिसलेनियस, ठीक है, के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों को इसमें से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। पहले दिस से दिस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला एक्स ये 1 के साथ गुना होगा, फिर ये -5 0 के साथ गुना होगा, -1 2 के साथ गुना होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स माइनस टू। फिर ये आपका एक्स जो है, फिर ये 0 के साथ गुना होगा, फिर ये -5 2 के साथ गुना होगा, फिर ये -1 0 के साथ गुना होगा, तो क्या हो जाएगा -10। फिर ये एक्स आपका 2 के साथ गुना होगा, फिर -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2x माइनस 8। फिर इंटू दिस रहेगा, तो हो गया एक्स 4 1 इक्वल्स टू क्या हमारा 0। ओके, अब देखिए फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस 2 आपका x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर -10 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40। फिर 2x माइनस 8 1 के साथ गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 को इस तरह से 0 लिख देंगे। अब यहाँ से आप लोगों को x का वैल्यू निकाल लेना है, सो सिंपल, ठीक है। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट एक्स रहा होगा, ये प्रोडक्ट वाई रहा होगा, ये प्रोडक्ट जेड रहा होगा। ओके, सेल्स इन 2 मार्केट्स, तो ये मार्केट फर्स्ट, ये मार्केट सेकेंड है, ठीक है। और ये एनुअल सेल दिया हुआ, याद रखिएगा। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड एट दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो दिया हुआ है कि यहाँ पर एक का प्राइस आपका 250 है, इसका 1.5 है, 250 नहीं 2.50 है, इसका 1.00 है, ठीक है। तो हम लोगों को रिवेन्यू चाहिए, तो रिवेन्यू कैसे आएगा, तो दिस इंटू दिस, देखिए क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इस तरह से आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा तो दो मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, लेट ए इज द मैट्रिक्स ऑफ, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है, फिर 2,000, फिर 18,000, ओके, फिर ये कितना हो जाएगा 6,000, फिर ये 20,000, ये यूनिट है, और ये फिर 8,000। ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, ये हमारा प्रोडक्ट एक्स, ये वाई, और ये रहा जेड, ठीक है। एंड हम लोग पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, देखे थे कि अगर एक रो वाइज मानेंगे तो इसके प्राइस को, ठीक है, सेल्स प्राइस को कॉलम वाइज मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ सेल्स प्राइस, ठीक है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, देखिए पहला कितना आपका 2.5 रुपया है इसका, फिर कितना है 1.5 रुपीज़ है, फिर रुपीज़ 1, ठीक है। ये किसका प्राइस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। तब देखिए तो देयरफॉर टोटल रिवेन्यू कितना होगा, टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू बी होगा, होगा ना। क्यों होगा पता आप लोगों को, अभी बताए थे ना कि ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोगों को ए इंटू बी निकालना होगा। आप लिख लीजिए, देखिए ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका 2,000, और ये फिर हो गया 18,000, ओके, फिर ये हो गया आपका 6,000, फिर ये हो गया आपका 20,000, फिर ये हो गया आपका 8,000, इंटू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1.5 और यहाँ पर 1.0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये देखिए फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 25,000 होगा,
है ना। फिर ये 2000 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस 18000। सिमिलरली फिर ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 15000। फिर ये 20000 इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 30000। और ये आपस में क्या होगा, प्लस। फिर सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको, ठीक है। बोल रहा है कि इफ़ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट एबव थ्री कमोडिटीज आर दिस 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 पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू के लिए फिर मान लेंगे कि लेट सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट, सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सी क्या बन जाएगा, देयरफॉर जो आपका सी मैट्रिक्स बनेगा ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोगों को कॉलम वाइज मानना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपया है, 1 रुपया है और 50 पैसे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 रुपया, ये हो गया आपका 1 रुपया और ये हो गया 50 पैसे। ओके, अब देखिए तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट के लिए फिर ए इंटू सी होगा, आपको पता है क्यों होगा ए इंटू सी, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गया, अब देखिए आपको बनाना है ये, ठीक है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा ए बी, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो ए बी माइनस ए सी, बन गया सवाल, सो सिंपल। आशा करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट दिस इन टू दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा और समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x इंटू दिस चाहिए, तो हम मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं चलिए क्वेश्चन को, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। x लिखा हुआ है 1 2 3, फिर ये हो गया 4 5 6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -7 -8 -9, फिर हो जाएगा 2 4 6। अगर हम लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आता रहता अभी तक, अगर डिटर्मिनेंट को अच्छे से कवर किए हुए रहते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ऐसे भी इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, तो इन्वर्स का कंसेप्ट तो अप्लाई होगा नहीं यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि एक्स मान लेते हैं ये एम बाय एन ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो ये 2 बाय 3 ऑर्डर है, और ये मल्टीप्लाई होकर के मैट्रिक्स बी बन रहा है, ये भी कौन सा ऑर्डर है, 2 बाय 3। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए रो क्या होता है, कॉलम के बराबर, ठीक है। रो किसके बराबर होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सी आर रूल बताए थे ना, सी आर रूल जिससे आप लोग नहीं डरते थे, सी आर रूल क्या होता था, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितना, एन, कि एम है, जल्दी से बताइए, एन है, और रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, 2 है, तो देयरफॉर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। एंड बी जो बनेगा मैट्रिक्स क्या होगा, बी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ऑर्डर ऑफ बी, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा, तो हम बताए थे कि जो बी बनेगा इसका फर्स्ट इसका लास्ट बनता है ना, तो क्या बनेगा, एम बाई 3, और यहाँ पर दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, 2 बाई 3 ऐसा दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एम इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2, क्लियर है। अब देखिए, अब पता चला कि एन का भी वैल्यू 2 है और एम का वैल्यू भी 2 है, तो देयरफॉर एक्स जो मैट्रिक्स रहा होगा वो क्या रहा होगा, ए बी सी डी ऐसा रहा होगा। अब देखिए देयरफॉर ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -7 -8 -9, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4
सिक्स ऐसा होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आता है, ये क्या हो जाएगा a प्लस फोर बी, फिर क्या हो जाएगा ये 2a प्लस फाइव बी, फिर क्या हो जाएगा ये 3a प्लस सिक्स बी, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा c प्लस फोर डी, फिर 2c प्लस फाइव डी, फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा, 3c प्लस सिक्स डी, यही होगा ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन टू फोर सिक्स। अब देखिए देयर फोर ए प्लस फोर बी बराबर क्या होगा माइनस सेवन, एंड टू ए प्लस फाइव बी बराबर क्या होगा माइनस एट। दो ही इक्वेशन लिखेंगे, इससे हम लोग ए बी को सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली c प्लस फोर डी और टू सी प्लस फाइव डी आपका 2 और 4 के बराबर होगा, फिर वहाँ से c और d निकाल लेंगे। आ गया हमारा आंसर। आप रखिएगा जब इसमें a और b का वैल्यू, तो माइनस नाइन ही आएगा, यहाँ भी रखिएगा जब तो 6 ही आएगा। तो आशा करते हैं कि इसके आगे आप बना लीजिएगा। हम यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट बताए हुए हैं CR रूल करके, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर a m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और b आपका p बाय q ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो c अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर m बाय q बनता है, यानी कि ये फर्स्ट और ये लास्ट। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होता है, तो सी आर। ठीक है, चलिए आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए टू ए इंटू बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इंटू ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी का होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडक्शन से बनाना है। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट पी एन इज ए इंटू बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इंटू ए, मान लिए ऐसा। अब स्टेप वन, इफ एन इक्वल्स टू वन, तो एल एच एस क्या हो जाएगा आपका, एल एच एस बन जाएगा आपका ए इंटू बी का पावर वन, तो क्या हो जाएगा ये ए बी। आर एच एस क्या हो जाएगा आपका, आर एच एस हो जाएगा बी टू द पावर एन इंटू ए, तो क्या हो जाएगा बी ए। तो देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, क्यों, क्योंकि सिंस गिवन है हम लोगों को ए बी इक्वल्स टू बी ए, देखिए गिवन है ना ए बी इक्वल्स टू बी ए। चलिए स्टेप वन ख़त्म, स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू, लेट पी एन इज ट्रू फोर, लेट पी एन इज ट्रू फोर एन इक्वल्स टू के। ठीक है, और के बिलोंग्स टू क्या है, कोई नेचुरल नंबर है एन, तो देयर फोर ए बी टू द पावर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी टू द पावर के इंटू ए, इसको मान लेते हैं वन। ठीक है, अब देखिए टू प्रूव स्टेप थ्री, स्टेप थ्री टू प्रूव पी एन इज ट्रू फोर, ट्रू फोर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, तो देयर फोर ए इंटू बी टू द पावर के प्लस वन इक्वल्स टू दिखाना है हम लोगों को बी टू द पावर के प्लस वन इंटू ए, यानी दिखाना है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके एल एच एस में आते हैं, एल एच एस क्या है ए इंटू बी टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, अब देखिए हम लोग माने हुए ए इंटू बी टू द पावर के क्या है, बी टू द पावर के इंटू ए। अच्छा, तब देखिए तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी टू द पावर के, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो ए बी को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ए बी को क्या लिख सकते हैं बी ए, लिख सकते हैं ना ए बी इक्वल्स टू बी ए इंटू बी टू द पावर के। ये ऐसा क्यों आया, तो फ्रॉम क्वेश्चन दिया हुआ हमारा ए बी इक्वल्स टू बी ए, इसलिए उसको इस फॉर्म में लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर
अब इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू बी टू द पावर के, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए तो a इंटू बी टू द पावर के यहाँ पर है, इसका वैल्यू क्या है, b टू द पावर के इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं b इंटू बी टू द पावर के इंटू ए, ये कहाँ से आया, फ्रॉम वन। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b टू द पावर k प्लस वन इंटू ए, ये हो गया आपका RHS। देखिए ये हो गया RHS। फिर हम स्टेटमेंट लिखाने के लिए सिखा चुके हैं पिछले वाले भी क्वेश्चन में, अब स्टेटमेंट लिख देना है। तो देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन व्हेन एवर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, सो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है। प्रूव करना है कि a इंटू बी का होल पावर भी जो n है वो ए टू द पावर इंटू बी टू द पावर n है। सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन को इंडक्शन से आप लोगों को बनाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो किस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, अब क्या लिखा हुआ था, हम लोगों के पास दिया गया है सिंस a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये दिया गया है, एंड फिर हम लोग प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर कि a इंटू बी टू द पावर के इक्वल्स टू बी टू द पावर के इंटू ए, ठीक है, एंड a इंटू बी टू द पावर के इक्वल्स टू बी टू द पावर के इंटू ए, ये हमारा दिया गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब देखिए तो अगर हम लोगों के पास ए बी स्क्वायर रहा होता, ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको, ए बी इंटू ए बी लिखते ना, तो अब देखिए तो ए बी इंटू इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए, ऐसा होगा। अब देखिए फिर ये बी इंटू बी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी स्क्वायर ए। अब देखिए फिर b टू द पावर के इंटू ए क्या बन जाता है, a इंटू बी टू द पावर के इस ओर जा रहा है, तो इसी तरह से a इंटू बी स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इंटू बी स्क्वायर, फिर a इंटू ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डन है। फिर देखिए फिर अगेन a इंटू बी का अगर क्यूब रहा तो क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी। फिर देखिए तो ये ए बी के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे ना, प्रूव किया मैं ऊपर, और इंटू हो गया फिर ए बी, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए बी को क्या लिखेंगे, बी इंटू ए, ठीक है, फिर बी स्क्वायर इंटू बी को क्या लिखेंगे, बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब ए। अब देखिए फिर बी क्यूब ए, फिर वही फॉर्म हो गया यहाँ पर कि बी टू द पावर के ए, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये इस फॉर्म में टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर ए इंटू बी क्यूब, तो अब क्या लिखेंगे इसको, फिर ये हो गया हमारा ए क्यूब इंटू बी क्यूब, डन है। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं कि अगर a इंटू बी का पावर 4 रहा होगा, ठीक है, तो फिर ये ए बी का होल क्यूब इंटू ए बी रहा होगा, फिर ए बी को होल क्यूब को ए क्यूब इंटू बी क्यूब लिखे होंगे, फिर इंटू क्या होगा ए बी, फिर ये बी ए में टूटेगा, फिर ये फाइनली टूट के क्या बन जाएगा, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप से, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। फिर लिख सकते हैं कि अगेन फ्रॉम एवव ए बी का होल पावर अगर n रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको, जल्दी से बताइए, तो ए बी का पावर n माइनस वन इंटू ए बी, तो ए बी के पावर n माइनस वन को क्या लिखेंगे, a टू द पावर n b टू द पावर n माइनस वन रहा होगा, माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा ए बी,
फिर ये जब सॉल्व होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, तो हो गया प्रूव्ड हमारा इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, दैट मीन्स अगर आप लोग इसको इंडक्शन से नहीं बनाए तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, और एक बार अगर इंडक्शन से बनाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग इसको अगर इंडक्शन से सॉल्व किए तो इसको भी इंडक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो होना ये चाहिए, इसको इंडक्शन से बना दिए इसके हेल्प से और इसके हेल्प से इसको प्रूव कर दिए हम लोग, जो आपको हम यहाँ पर बताए हुए हैं। ओके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13, 14, 15 ये तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके लिए तो आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू दिस और a स्क्वायर इक्वल्स टू है i, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम लोग देखें अगर 13 को, तो 13 का a स्क्वायर क्या होगा, तो बस a इंटू a। अच्छा, तो a क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फा ऐसा होगा, फिर ये इंटू करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस बीटा गामा, फिर इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, फिर इस साइड गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा गामा, ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा गामा और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा गामा, तो फिर ये भी तो ज़ीरो ही बन जाएगा, ठीक है। फिर इधर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर और प्लस दिस इंटू दिस गामा बीटा होगा, गामा बीटा, ठीक है, और इधर फिर हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए तो सिंस ए स्क्वायर क्या दिया गया है, आई, तो ये फिर आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर ये ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा भी है, ये किसके बराबर है, आई, आई मतलब क्या हो गया, 1001। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, अल्फ़ा स्क्वायर देख लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, तो ये माइनस में लिख दिया और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देख लीजिए, चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू वन हो गया तो ये सबको इधर उठा के लेकर आ गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, ये तभी पॉसिबल है जब ए इज़ जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर देखते हैं, ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोगों को बताना है I प्लस ए का होल क्यूब माइनस सेवन ए इज इक्वल टू। चलिए अब देखिए, तो देखते हैं इसको यहीं पर बनाते हैं हम लोग, तो I प्लस ए का होल क्यूब माइनस सेवन ए है, तो हम लोगों को पता ये क्या होगा, I क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री आई स्क्वायर ए प्लस थ्री आई ए स्क्वायर अब प्लस ए क्यूब माइनस सेवन ए, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर आई क्यूब तो आई ही होगा, ठीक है, प्लस अब देखिए थ्री आई स्क्वायर आई होगा और ए इंटू आई ए ही होगा, तो ये हो जाएगा थ्री ए प्लस थ्री ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, ए के बराबर दिया हुआ है, तो ये ए स्क्वायर फिर ए हो जाएगा और ए इंटू आई फिर ए हो जाएगा, फिर देखिए प्लस, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस सेवन ए, तो फिर हो गया आई प्लस सिक्स ए, अब देखिए फिर ए स्क्वायर ए बन जाएगा, ए स्क्वायर फिर ए हो गया, फिर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा ए माइनस सेवन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, आई, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके अब हमारा मिसलेनियस मैट्रिक्स का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। ओके डिटर्मिनेंट के, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ये हम बता चुके हैं, एंड डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन, क्यों है फंक्शन इस चीज़ को भी बता चुके हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है आप उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए उसका, फिर हम लोग
एक्सरसाइज पर आएंगे। एक और वीडियो आएगा आपका डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके बाद फिर एक्सरसाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास एक्सरसाइज आएगा उसके अनुसार आपके पास थियोरी भी आएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।